Hello everyone, let's take a very interesting problem which is a unique path. This is lead port 62 number problem. There is a robot on a M cross N grid. The robot is initially located at the top left corner, grid 00, and the robot has to reach to the bottom right corner, that is M minus 1 and N minus 1. The robot can only move either down or right at any point in time. You have to find out the total number of possible paths starting from 00 to N minus 1. So this is a very simple problem, and try to understand what the problem is saying. Let's take a grid of 3 cross 3. Now, in this grid, this is your initial position. So, 0, 0 is the initial position. और आपको पहुंचना कहाँ है? यहाँ पहुंचना है, 2, 2, मतलब लास्ट वाले सेल में आपको पहुंचना है. जो मूवमेंट अलाउड है वो क्या अलाउड है? या तो राइट की तरफ और या तो डाउन की तरफ. तो वन स्टेप डाउन या वन स्टेप राइट. तो इसका मतलब क्या है कि आपको ये पता करना है कि टोटल पॉसिबल पाथ्स कितने होंगे. सो टोटल पॉसिबल पाथ के लिए, जैसे मान लीजिए कि आपने 00 पे हैं, तो 00 से दो चॉइसेस आपके पास हैं. या तो आप राइट चले जाइए और या तो डाउन चले जाइए. तो राइट अगर आप पिक कर रहे हैं तो ये एक चॉइस है, और इससे जितने भी रास्ते आपको डेस्टिनेशन की तरफ लेके जाएंगे आप उनको काउंट कर लीजिए. सिमिलरली आप डाउन की तरफ जाएंगे तो ये सेकंड चॉइस आपके पास है, और इस रास्ते से आप जितनी बार नीचे जाएंगे उसको आप काउंट कर लीजिए. दोनों को आप ऐड कर दीजिएगा फाइनली, तो यही आपकी टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस होंगी. तो यहाँ पे चूंकि हमें ये नहीं पता कि आगे जब हम जा रहे हैं तो वहां से हम डेस्टिनेशन पे पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे, तो इसके लिए हमें एक कंडीशन लगानी होगी कि हम जिस भी पोजिशन पे हैं, लेट्स से ये पाथ नाम का हमने एक फंक्शन बना लिया, और इस पाथ नाम के फंक्शन में हमने इनिशियल और टारगेट पॉइंट्स एम और एन हमने पास कर दिया. तो 00 मेरी स्टार्टिंग पोजीशन है, और एम एन का मतलब ये है कि ये टोटल नंबर ऑफ रोज एंड टोटल नंबर ऑफ कॉलम है. इनफैक्ट दिस विल बी लास्ट रो एंड लास्ट कॉलम विल बी एम माइनस वन एन 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 माइनस वन. तो जब आप मूव कर रहे हैं, और मान लीजिए कि आप इस टू पॉइंट पे हैं, टू कॉलम पे हैं, तो यहाँ से राइट जाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि वैलिड जो कॉलम है वो टू तक ही है. तो अगर आप यहाँ पहुंचे इसका मतलब इनवैलिड रास्ते पे चले गए. आप 0 रिटर्न कर दीजिए इसके कोरिस्पॉन्डिंग, क्योंकि ये रास्ता वैलिड रास्ता नहीं होगा. इसी तरह से जब आप डाउन आ रहे हैं, तो डाउन में अगर मान लीजिए आप टू पोजीशन पे और इससे आप नीचे और चले गए, मतलब कि 3 पे चले गए, सो ये वाला रास्ता पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि ये इनवैलिड रो है. तो हमें इनवैलिड रो और इनवैलिड कॉलम का ध्यान देना है, और इस केस में 0 रिटर्न कर देना, जो ये बताएगा कि इस तरफ कोई रास्ता नहीं है, तो रिटर्न 0 कर दीजिएगा. तो पहला देखिए, हमने पाथ नाम का फंक्शन बनाया और इसमें एक बेस कंडीशन लगाया. अगर आई की वैल्यू एम हो गई है या जे की वैल्यू एन हो गई है, तो उसका मतलब हम 0 रिटर्न कर रहे हैं. तो आई जे क्या है? वो मूव्ड पोजीशन है राइट या डाउन की तरफ जाते समय. तो अगर हम राइट की तरफ जा रहे हैं और आई की वैल्यू एम हो गई है, सॉरी, ये हमारा रो नंबर बता रहा है, हम डाउन की तरफ जा रहे हैं और जो रो नंबर है वो एम हो गया है, इसका मतलब एम माइनस वन रो को आप क्रॉस कर गए, तो उस केस में आप 0 रिटर्न कर देंगे. या फिर अगर आप राइट की तरफ जा रहे हैं और आप लास्ट कॉलम को क्रॉस कर गए, तो इसका मतलब है कि वहां से कोई पॉसिबल पाथ नहीं मिलेगा, तो आप 0 रिटर्न कर दीजिए. अदरवाइज अगर आप टारगेट पॉइंट्स पे पहुंच गए हैं या टारगेट इंडेक्सेस पे आप पहुंच गए हैं, तो उस केस में आप 1 रिटर्न कर दीजिए. इसका मतलब सिंपल सा है कि एक रास्ता आपको इस फाइनल रास्ते की तरफ लेके आ रहा है. और अगर मान लीजिए कि आप इन दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं है, तो आप क्या कीजिए कि राइट की तरफ जाइए, मतलब राइट का मतलब आई प्लस वन की तरफ, और देखिए कि यहाँ से स्टार्ट होके कौन कितने रास्ते हैं जो कि हमें लेके जाता है फाइनल टारगेट पे. इसी तरह से आप डाउन की तरफ जाइए और देखिए कि यहाँ से स्टार्ट करके कितने पाथ है जो आपको टारगेट की तरफ लेके जाता है. तो हमने रिकर्सिवली कॉल किया, पहला रिकर्सिव कॉल आई प्लस वन जे के साथ, और दूसरा रिकर्सिव कॉल आई जे प्लस वन के साथ. तो आई प्लस वन मतलब नीचे डाउन की तरफ, और जे प्लस वन मतलब राइट की तरफ. तो ये दो रास्ते हैं, आपके पास केवल दो चॉइसेस थे, एलिमेंट ऑफ चॉइस आपने डिसाइड किया, और आपके पास केवल दो चॉइसेस थे, एक राइट की तरफ और एक डाउन की तरफ, जो कि यूनिक हैं. दोनों दोनों में कोई भी ओवरलैपिंग नहीं है, तो दोनों में जो भी आपको नंबर ऑफ पाथ्स मिले दोनों को आप ऐड कर दीजिएगा, एंड यही आपका फाइनल आंसर होगा. तो आइए इसको रन करके देखते हैं. यू कैन सी दैट द सैंपल टेस्ट केसेस हैव बीन एक्सेप्टेड. Now let's submit it. So there is one interesting thing coming up while submission.
इट इज सेइंग दैट इट इज टाइम लिमिट हैज एक्सीडेड, इट हैज पास 38 टेस्ट केसेस, लेकिन बाकी के लिए ऐसा कह रहा है कि टाइम लिमिट एक्सीड हो गई। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम जब रिकर्सिवली कॉल्स कर रहे हैं तो रिकर्सिवली 2^n कॉल्स हो जा रही है, जिसको हैंडल करना मुश्किल हो जा रहा है इसके लिए। तो हमें क्या करना है कि कुछ ऐसा अरेंजमेंट करना चाहिए जिससे कि अगर हमने किसी एक पोजिशन से स्टार्ट होने वाले नंबर ऑफ पाथ्स अगर फाइंड कर लिए हैं तो उसको हमें कहीं सेव करके रख देना चाहिए, और जैसे ही उसकी कॉल दोबारा हो उसको हम यूटिलाइज कर लें। इसका मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल अगर एक फिर से हम इस ग्रिड को ले लेते हैं, और मान लीजिए कि आप इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ जा रहे हैं और फिर इस पॉइंट से आप फिर से नीचे की तरफ भी आएंगे, तो एक रास्ता आपको ये बता रहा है। दूसरा रास्ता ये हो सकता है कि आप ऊपर से नीचे आए और फिर यहाँ से यहाँ चले गए, तो आपको इस पॉइंट से स्टार्ट होने वाले दो पाथ फाइंड करेंगे। जब आप यहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे तो दो बार आप इसी को एक इस रास्ते से आके पाथ नंबर ऑफ पाथ फाइंड करेंगे और एक इस रास्ते से आके पाथ फाइंड करेंगे, तो दो बार आप इसी से स्टार्ट होने वाला पाथ फाइंड करें। तो अगर आपने एक बार ऑलरेडी यहाँ से स्टार्ट होने वाला पाथ फाइंड कर लिया है तो जब दूसरी बार आप जब इसको फाइंड कर रहे हैं तो उसको डायरेक्टली यूज कर लीजिए, उसके लिए रिकर्सिव कॉल मत कीजिए। तो नंबर ऑफ रिकर्सिव कॉल को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए आप एक ऐसी टेबल मेंटेन कर सकते हैं जिसमें कि प्रीवियस रिजल्ट्स को हम सेव कर लें। तो एक काम करते हैं कि एक डायरेक्ट एड्रेस टेबल ले लेते हैं, और उस डायरेक्ट एड्रेस टेबल में से हमारे पास एक डायरेक्ट एड्रेस टेबल है, और ये जो डायरेक्ट एड्रेस टेबल है उसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स अपनी प्रॉब्लम्स के हिसाब से हम देख लेते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि एम और एन की वैल्यू मैक्सिमम 100 हो सकती है, तो आप एक काम कीजिए कि 100 × 100 का एक DAT ले लीजिए और इसके सभी एलिमेंट्स को 0 से इनिशियलाइज कर लीजिए। तो इस डिक्लेरेशन का मतलब है कि पहला एलिमेंट 0 और बाकी सारे ऑटोमेटिकली 0 हो जाएंगे। तो ये जो else वाला केस है यहीं पे ये डायरेक्ट एड्रेस टेबल का यूज है कि अगर आप रिकर्सिव कॉल तभी कीजिए जबकि ये वाली वैल्यू पहले से फाइंड नहीं है। तो 0 का मतलब ये है कि ये वैल्यू पहले से फाइंड नहीं की गई है, और अगर वहां पे एक नॉन जीरो वैल्यू है तो इसका मतलब उसको पहले से फाइंड कर चुके हैं। तो अगर इस मैट्रिक्स में या ये जो DAT है हमारा है, इस DAT में IJ एंट्री पहले से 0 है, इसका मतलब मुझे इस एंट्री को फाइंड करना है। जब मैं इस एंट्री को फाइंड करूंगा तो एंट्री को मैं फाइंड करके DAT के IJ लोकेशन पे स्टोर कर दूंगा ताकि आगे आने वाले लोग इसको यूज कर सकें। और फाइनली आप इस DAT की IJ पोजीशन वाली जो वैल्यू है इसको रिटर्न कर दीजिए। तो मान लीजिए कि अगर DAT पहले से 0 नहीं है, इसका मतलब उसको हम पहले से फाइंड कर चुके हैं, तो ये रिकर्सिव कॉल्स नहीं होंगी, तब हम डायरेक्टली यहाँ से रिटर्न कर देंगे। लेकिन अगर DAT 0 है तो इसका मतलब पहली बार हम इसको फाइंड करेंगे एंड देन DAT के IJ पोजीशन में स्टोर करेंगे और फिर DAT के IJ पोजीशन वाली वैल्यू को रिटर्न करेंगे। सो आइए अब इसको सबमिट करते हैं। दिस छोटा सा एरर है, दिस इज स्मॉल। एंड यू कैन सी दैट द सबमिशन हैज बीन एक्सेप्टेड। सो यहाँ पे हमने एक्चुअली अननोइंगली डायनेमिक प्रोग्रामिंग का यूज किया, जो एक टेबल का हम यूज कर रहे हैं, मेमोरिजेशन टेबल है। अगर आप रिकर्शन के साथ मेमोरिजेशन टेबल या डायरेक्ट एड्रेस टेबल मेंटेन करते हैं जिसमें प्रीवियस रिजल्ट्स को आप स्टोर करते हैं, तो इसका मतलब कि यू आर डूइंग द डायनेमिक प्रोग्रामिंग। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वी विल मीट अगेन विद सम मोर कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द रिकर्शन।